और दोस्तों Realme ने भी अपना पहला 5G स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Realme X50। कितनी प्राइस में दोस्तों ये चाइना में लॉन्च किया गया है, क्या क्या इस स्पेसिफिकेशन है और मुझे पर्सनली इसमें क्या क्या पसंद नहीं आया है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ Realme X50 के बारे में। तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे मास्टर टेक चैनल पे। तो दोस्तों सबसे पहले डालेंगे हम लोग यहाँ पे Realme X50 के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर नजर। तो डिजाइन दोस्तों Realme के जितने भी फोन आ रहे हैं वही सेम आपको डिजाइन देखने को मिल रही है, बैक में 4 कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों मैं बता दूं, बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और ये ग्लास आपको बैक में कर्व वाला ग्लास देखने को मिलता है। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.57 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको मैं बता दूं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलती है। और हाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ये डिस्प्ले भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आती है, मतलब बैक और फ्रंट दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, बैक में ना ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है और जैसे कि आपको पता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिल रहा है। इस बार उन्होंने जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया वो दिया है साइड में, जहाँ पे आपका पावर ऑन ऑफ का बटन होता है वहाँ पे आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने दोस्तों डिस्प्ले देखी है, डिस्प्ले में आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको लेफ्ट में टॉप पर 2 कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि दिखने को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं, ये आपको 3 वेरियंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज, 6GB 256GB स्टोरेज। वैसे ये पहली बार ऐसा हो रहा है 6GB 256GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी फोन आते हैं वो आते हैं या तो फिर 8GB 256GB स्टोरेज या 12GB 256GB स्टोरेज, यहाँ पे आपको 6GB 256GB स्टोरेज दिया गया। और इसका एक और हाई वेरिएंट मास्टर एडिशन जो आता है वो आता है 12GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो अभी से। और हाँ दोस्तों ऑल पे क्लिक करो ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं बता दूं 13 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी का कहना है कि 70% बैटरी आपकी मात्र 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 घंटे से भी कम में आपकी बैटरी फुल चार्ज होने वाली हो। और ये जो फास्ट चार्जर है ना Realme के और फोनों में भी आपको देखने को पहले से ही मिल चुका है। लेट्स टॉक अबाउट अ कैमरा। कैमरा इसमें आपको बैक में 4 देखने को मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर मिल रहा है जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का यहां पे आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जो कि 20x ज़ूम है, मतलब आप बहुत दूर के फोटो पास से क्लिक कर पाएंगे। और आपको अगेन 8 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, और लास्ट कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जो कि माइक्रो शॉट सेंसर के लिए दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है, 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, जहां पे आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि आप फ्रंट के कैमरे से ग्रुप वाली सेल्फी आसानी के साथ ले पाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। और हाँ दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट आपको देखने को मिल रहा है जो कि 5G को सपोर्ट करता है, तभी तो ये स्मार्टफोन Realme की तरफ से पहला स्मार्टफोन 5G है। हाँ दोस्तों प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 3 वेरिएंट देखने को मिल रहा है, 8GB 128GB स्टोरेज की जो प्राइस रखी गई है वो चाइना में रखी गई है 25,000 रुपये, मैं आपको इंडिया में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वहीं दोस्तों इसका सेकेंड वेरियंट 6GB 256GB वाले वेरियंट की प्राइस रखी है वो 27,000 रुपये रखी गई है, वहीं इसका हाई वेरियंट 12GB 256GB वाले की जो प्राइस रखी गई है वो 30,000 रुपये रखी गई है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वैसे क्या लगता है आपको कमेंट में बताएं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसमें मुझे क्या क्या पसंद नहीं आया है। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है और जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा इन्होंने रखी है 25 से 26,000 रुपये और उसके हिसाब से इन्होंने सुपर एमोलेड
डिस्प्ले नहीं दी है। और दूसरी जो मुझे अच्छा नहीं लगा है चीज़, वो है इसका 3.5mm ऑडियो जैक इन्होंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया मैं आपको दोस्तों ये बता दूं, क्योंकि इन्होंने चाइना में अपने रियलमी एयरबड्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी बिक्री कैसे होगी, इसीलिए उन्होंने इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक हटा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ग्लोबली अगर देखा गया तो लोग 3.5mm ऑडियो जैक को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। वैसे क्या आप भी प्रेफर करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी तीसरी जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है वो लगी है इसकी प्राइस। क्यों? क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसका जो कंपटीशन है वो रेडमी के 35G के साथ है, वहाँ पे उसकी प्राइस जो रखी गई है वो 22,000 रुपये रखी गई है, और यहाँ पे इन्होंने प्राइस रखी है वो 25,000 रुपये रखी है। जबकि रेडमी के 35G वेरियंट जो आता है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, बाकी की सेम यही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा रखी है। वैसे दोस्तों रेडमी के 35G पर हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर के रेडमी के 35G का एक बार वीडियो जरूर से देखें और गैस करें कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको सुनकर के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में 5G वेरियंट नहीं है, ये इंडिया में आएगा तो 4G वेरियंट के साथ आएगा, क्योंकि इंडिया में 5G नेटवर्क अभी नहीं है। चले दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और हाँ दोस्तों, अभी तक यहां पर आ गए हैं, चैनल अभी भूल गए सब्सक्राइब करना, तो अभी सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करो, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।